हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमजेके कार्स। तो ये है दोस्तों किया की सोनेट और न्यू 2024 मॉडल, जैसा कि आप फ्रंट से देख सकते हैं। और ये भाई पेट्रोल इंजन पे है और इसका नाम है सोनेट G1.0 TIMT HTX। और ये है ऑल ब्लैक कलर जो कि आप देख सकते हो। और ये देखिए आप यहाँ पर LED हेडलाइट और DRL यहाँ पर आपको इस शेप में मिल रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये फ्रंट का लुक है और यहाँ पर इस साइड से भी आप देख सकते हैं सेम DRL और LED हेडलाइट इसके अंदर आपको मिलती है, इस तरह से पूरा लुक वाइज। और यहाँ पर आपको मिलता है 3D वाले किया के स्टिकर, वो भी सिल्वर यानी कि क्रोम फिनिशिंग पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आवाज़ आप सुन लीजिए, इंजन स्टार्ट है, देख रहे हो आप, बिल्कुल आवाज़ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपका ये स्टील यानी कि सिल्वर ये आपका यहाँ पर मिलता है, इस तरह से आप देखिए सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर आपका ये पूरा इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर आपको ग्रिल मिलेगी, वो भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग पे। और फ्रंट का जो लुक है इस तरह से आएगा, नीचे आप देख सकते हैं रेडिएटर की जो ग्रिल है इस तरह से आपको मैट फिनिशिंग पे मिलेगा। और बम्फर जो है यहाँ पर आपका सिल्वर इस तरह से दिया गया है, वो कि फाइबर का इस तरह से। और यहाँ पर आपका ये ब्लैक फिनिशिंग इस तरह से रहने वाला है। तो टोटल जो फ्रंट का इस तरह से आपको मिलेगा, फॉग लैंप भी यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और ये बलेनो के टक्कर में आएगा और टोयोटा की हाई आपको आएगा ग्लेंजा के टक्कर में। और ये है सोनेट जो कि अगर आप देखोगे तो अगर आप जो पैसा इसमें लगाएंगे, आपको हर एक चीज़ लुक वाइज और हैवी भी दिखने वाली, सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे, अंदर क्या क्या फ़ीचर मिलता है। तो सबसे पहले आप बाहर से देखो कि ये कार किया की जो सोनेट है ऑल न्यू 2024 मॉडल आपको कैसी दिख रही है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 16 इंच की चारों व्हील मिल जाएगी, आप देख सकते हैं 16 इंच की है। और ये देखते हैं हम मैक व्हील जो है वो डायमंड कट अलॉय व्हील पे, सेंटर पे आपको किया का बैजिंग, दो आगे आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक और दो आपको रियर में डिस्क ब्रेक, यानी चारों डिस्क ब्रेक इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हो 16 इंच की व्हील है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो RVM यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दो, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर आपका वाशर मिल जाएगा, ग्लास देख सकते हैं। और इस तरह भी आपको RVM यहाँ पर इंडिकेटर पर रहेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चारों जो व्हील है वो आपका 16 इंच की रहेगी। डोर के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये सिल्वर फिनिशिंग रहेगी। और यहाँ पर सेंसर, ये आपका पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और ये रहा भाई डोर इसका, तो ये जो डोर है फ्रंट का, इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें आपका लेदर फिनिशिंग मिलेगा, यहाँ पर आपका ब्लैक यानी डुअल टोन फिनिशिंग, यहाँ पर आपका सिल्वर फिनिशिंग मिल रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप RVM को कंट्रोल कर सकते हैं और ये आप इसके विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक अनलॉक का भी सेटअप सिस्टम, यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर यहाँ चाहें तो, चारों विंडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं लॉक अनलॉक, ठीक है। ये है आपका AC वेंट जो कि काफ़ी गजब का क्रोम फिनिशिंग, यहाँ पर आपका सिल्वर फिनिशिंग है, इस तरह से आप देखते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपर डाउन ये इस तरह से कर सकते हो। और इंजन स्टार्ट स्टॉप यानी कि आपका ये पुश बटन स्टार्ट सिस्टम है, यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये देखिए आप क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पर आपका म्यूज़िक एंड कॉल कंट्रोल यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये आपका डी कट में आपका स्टेयरिंग मिल जाएगा जो कि सोनेट की बैजिंग, सिल्वर कलर की यहाँ पर आपको फिनिशिंग, यहाँ पर आपका किया का मिलेगा बैजिंग, एयरबैग। और इसके अंदर ये चीज़ सबसे खासियत है कि जो किया लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर पे ही लिखा है, यानी कि इसके सेंटर में बीच में है, ये इसका कलर नहीं जाएगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और इसका कलर जो है ना, अदर आपने देखा होगा तो इसका कलर निकल जाता है बाद में, ये स्टिकर आपका नहीं निकलेगा, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपका पियानो फिनिशिंग, यहाँ पर आपका सिल्वर फिनिशिंग। तो स्टेयरिंग पर भी आपको लेदर वर्क मिल जाएगा, पूरा फुली डिजिटल मीटर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा फुल डिजिटल मीटर इसके अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर आपको पूरा फुली डिजिटल मीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका न्यूट्रल यहाँ पर दिखा रहा है, तो जैसा कि अगर आप गियर भी डालेंगे उस हिसाब से ये आपका बताएगा। यहाँ पर आपका देखते हैं फ्यूल है ऊपर, और यहाँ पर आपका देखिए डोर जो खुला है यहाँ पर लेफ्ट राइट को वो आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आप बटन से ये कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखिए ये टायर प्रेशर, ये भी आपका बताएगा कि कितना आपका प्रेशर है टायर का। और उसके बाद ड्राइव टू डिस्प्ले, देखिए आप यहाँ पर ड्राइवर स्टेंस है, लाइट, डोर, और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कन्वेंस, ये सारा चीज़ यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर माइलेज आपका बताएगा, और ये देखिए आप यहाँ पर ये टोटल देखिए यहाँ पर सिंस रिफ्यूलिंग यानी कि आपका पेट्रोल कितना भरवाना है या कितना है, ये सारा चीज़ आपका दिखाएगा। करंट ट्रिप है, ऑटो स्टॉप यहाँ पर आपका दिखेगा, क्रूज़ कंट्रोल के साथ मिलेगा, है ना भाई, क्रूज़ कंट्रोल भी आपका यहाँ पर दिया गया है, या पूरा देख सकते हैं इस तरह से, पूरा फुली डिजिटल मीटर रहने वाला है। यहाँ पर आपका RPM, यहाँ पर आपका फ्यूल, यहाँ पर आपका ये इंजन टेम्परेचर, ये सब कुछ यहाँ पर, सीट बेल्ट, यहाँ पर आपका रिमाइंडर भी दिखाया गया, यहाँ पर आपका एरर्ड है, यहाँ पर देखो हैजर्ड बटन है, पासिंग है, लाइट है, सारा सेटअप ऊपर दिया गया इंडिकेशन। और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सारे कंट्रोल्स है,
और इसके अंदर अब आप देखेंगे तो ये आपका ये कंट्रोल है अपनी कि आप वाशर डिफोगर ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइट इंडिकेटर हैजर्ड स्टार्टर सिस्टम है। ये रहा आपका गियर लीवर, अब देखोगे इसमें तो 6 गियर मिलेंगे। और ये भाई डुअल टोन फिनिशिंग, देखो यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग यानी कि इसमें आपका सिल्वर फिनिशिंग या आपका पियानो फिनिशिंग रहेगा। और 12 बोल्ट 120 वाट का यहाँ पर आपका सॉकेट रहेगा। और यहाँ पर आपका टाइप सी भी चार्जिंग मिल जाता है, यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग भी मिल जाएगा। और वायरलेस चार्जिंग है भाई इसमें, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। और 6 एयरबैग आपको मिलेंगे सेफ्टी फीचर्स में, सबसे नंबर वन सेफ्टी। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट जो क्लस्टर है वो 8 इंच की मिल जाएगी, वो भी वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पर रेडियो मीडिया ये सब सेटअप आप दे सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहेगा। काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड पूरा यहाँ पर दे सकते हैं, बिल्कुल हुंडई क्रेटा से भी ज़बरदस्त। यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको पूरा लंबा चौड़ा। और उसके बाद आप इसकी आप की देखोगे तो यहाँ पर रिमोट से स्टार्ट होने वाली, यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, लॉक अनलॉक हो गया, यहाँ पर होल्ड हो गया, यहाँ पर ये होल्ड हो गया, यहाँ पर आप इसी से स्टार्ट कर सकते हैं रिमोट से ही। कीलेस एंट्री आपको मिलने वाली है। और इसका जो की है ये सबसे ज़बरदस्त है, जो कि पूरा बिल्कुल काफ़ी लाइट वेट भी है और स्टाइलिश लुक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा की अधिकतर किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर की बटन मिलती है, स्विच यहाँ पर साइड इसमें दिया गया है। ये चीज़ काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है इसका, यहाँ पर आप बटन रख सकते हैं। और ये आपका हैंड ब्रेक हो गया। सीट आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाएगा, ऊपर आपको भाई सनरूफ मिल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सनरूफ, ये देखिए आप सनरूफ इसके अंदर मिलेगा। ये चीज़ भाई सबसे ज़बरदस्त है, वो भी कम पैसे में, इतने कम पैसे में आपको सनरूफ मिलता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, अभी ऑन रोड प्राइस हमको बताएंगे। ये आपका रहेगा इस तरह से, आपको फ्रंट मिलेगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा भाई, यहाँ पर मिरर भी दिया गया है। और इसके अंदर ये देखिए आप लाइट सब कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आप चाहें उस हिसाब से आप इसे काम ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ भी आप रख के बढ़िया अंदर कर सकते हैं, कोई आइडिया नहीं लगाएगा कि इसमें क्या होगा। तो ये है आपका भाई फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पर आपका एयरबैग यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर आप देखोगे तो इतनी सारी जगह भी मिल जाती है, कोई भी चीज़ आराम से आप रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है, स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, चार्जिंग लगा के देख सकते हो आप, वायरलेस चार्जिंग नहीं है। और ये ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट आपको मिल जाएगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं पूरा ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट रहेगा। यहाँ पर ये देखिए डुअल टोन फिनिशिंग ब्लैक और यहाँ पर आपका वाइट कलर में, तो ये भी लेदर फिनिशिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डोर पे आपको लेदर फिनिशिंग और इसके स्टीयरिंग पे। तो इस तरह से आपको मिलेगा भाई, इसका फ्रंट हो गया। और ये वेंटिलेटेड सीट है कि नहीं भाई? वेंटिलेटेड सीट आपको नहीं मिलेगा, बाकी डुअल टोन फिनिशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रियर का डोर है और रियर के डोर भी आपको डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। और स्पीकर आपको चारों मिलेंगे, यहाँ पर भी स्पीकर दिया गया है। और ये देखिए जैसे कि जो है सन ग्लास यहाँ पर आपको मिलेगा, सनसेट ये आप देख सकते हैं, जैसा कि धूल जो है धूप आपको नहीं लगने वाली है, इस तरह से आप चाहें तो उसको लगा भी सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है और बाहर से भी अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह से दिखेगा। तो सनसेट रूफ जो है ये काफ़ी बढ़िया, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये आपका विंडो के लिए है, लेदर फिनिशिंग यहाँ पर भी आपको मिलेगा, स्पीकर बॉटल भी यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर तीन लोग की जो है तो यहाँ पर दो लोग की कैपेसिटी, बट यहाँ पर तीन लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं। टाइप सी की दो चार्जिंग, रियर में एसी वेंट आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया गया है। ये आपका सीट पे लगा है पन्नी, नवी हम दिखाते हैं, ये आपका आर्म रेस्ट भी रियर में मिल जाएगा। और यहाँ पर भी लाइट ये दिया गया है, ये देखिए आप, ठीक है, अपर साइड। और ये आपका दूसरा विंडो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पकड़ने वाला ये दोनों साइड पे आपका मिलेगा, ठीक है। इस तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी स्पेस मिल जाएगा, जैसे कि मैं बैठ के दिखाता हूँ, इस तरह से मैं बैठ गया तो इतना स्पेस हमको मिल जाता है। ये देखिए आप पैर से हमारे, ठीक है, मेरी हाइट 5.6 है। तो इस तरह से आपका ये पूरा फीचर रहेगा, सीट बेल्ट ये सेटअप आप देख सकते हैं। और आप चलिए रियर का दिखाते हैं, ये देखिए आप कनेक्टिंग लाइट जो है वो DRL इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से पूरा सेटअप देख सकते हैं। ये देखिए आप इंडिकेटर्स, ये आपका ब्रेक लाइट, किया की बैजिंग यहाँ पर आपका 3D सिल्वर पे, फॉग लैंप यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपका सोनेट की ब्रांडिंग और ये है TGDI की बैजिंग। और सेंसर आपको यहाँ पर एक और उसके बाद दो सेंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। 360 का कैमरा मिलेगा, नीचे भी लाइट, ये आपका बम्पर सिल्वर, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर, इस तरह से पूरा दिखने को मिलेगा इसका व्यू। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मिरर के विंडो के साइड पे इस तरह से वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ये रहेगा फ्यूल टैंक का कैप, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर दिया गया है क्या क्या चीज़ है। ये देखो इसका जो इंजन है वो है 1000 CC का, ये देखिए 6 गियर के साथ है,
और ये आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। जो कार लेंगे तो यहीं पर आपको ये सारा फीचर्स मिलेगा। आप इस साइड से भी देखेंगे तो ये पूरा चारों डोर पे वर्क मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। कार आपको किया कि सोनेट 2024 मॉडल कैसी लगी कमेंट में बताएं। और चलिए अब हम इसके प्राइस और उसके बाद भाई इसका ज़रा वो पीछे का बूट स्पेस दिखाइए। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका बूट स्पेस जो कि आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर लाइट भी दिया गया है इसके यहाँ पर, देखो आप। अब इसको जो खोला गया तो इसके अंदर आपको 385 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि दो तीन बैग आराम से आप इजीली रख के सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर भी होल्डर दिया गया है, यहाँ पर भी स्पीकर आपको मिल जाएंगे। ये इस तरह से पूरा सेटअप आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाएगी, ये इस तरह से रहेगा लाइट इसका। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जगह मिलेगा, उसके बाद इसके अपर साइड पर यहाँ पर भी आप कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है ये। और इसको हम बंद कर दिए तो इस तरह से रहेगा इसका ओवरऑल लुक। और अब चलिए हम बात करते हैं इसका माइलेज, ऑन रोड प्राइस, फीचर्स, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इसका नाम है HTX इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि आप अपर साइड पर देख लिए हैं। ऊपर से भी आप इसका लुक देख लीजिए, इस तरह से ये ऊपर लुक देने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्राउल जेबल LED हेडलैम्प आपको पहले ही दिखा दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसके अंदर आपको पीछे 640 रियर फोल्ड सीट रहेगा, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जो रियर के यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज़, वो आपका एडजस्टेबल है, ठीक है ये इसके अंदर। तो ये सारे फीचर्स आपका रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इसका जो मॉडल है वो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, सोनेट G1.0T IMT HTX मॉडल है। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें सारी चीज़ों के साथ एक्सेसरी के साथ 13,91,934 रुपये ऑन रोड प्राइस नवसारी गुजरात में पड़ने वाली है। तो ये है अपना किया का शोरूम, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।